एक बार और नहीं हुई भाई। सब लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और अपन जा रहे हैं बाइक वॉक। आज देख रहा हूँ मैं बुलेट, डुक 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 डुक। और आज एक चक्कर है, पता जैसे बैठा ना ध्यान आया, गोप्रो चेक करो कहाँ पर। अब करते हैं व्लॉग की शुरुआत। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और अगर पुराने वाले तरीके से करनी हो तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे छोटे से निक्के से बड़ा 007 यूट्यूब चैनल के ऊपर। थोड़ा सा लंबा है पर मजा इसी के अंदर, एक बार फिर हो जाए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे छोटे से निक्के से बड़ा 007 यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी बज रहे हैं 6:30, पन्ना भी है थार के अंदर, RJ14 युवा। आज हम लोग अलग अलग है, मैं अलग हूँ, पन्ना भी अलग है। जो थार है ये पैक हो चुकी है, पहले ही खुली हुई थी, तो हमें जो सिनेमेटिक शॉट्स थे और जो अच्छे अच्छे कहते ना एक हीरोमेटिक शॉट्स, तो वो इससे अच्छे अच्छे आते थे। कई बार हमारा सामान रखा रहता है, हेलमेट रखा रहता है, जैकेट रखी रहती है, राइडिंग गियर्स मतलब कंप्लीट रखे रहते हैं थार के अंदर, और वो सब गीले हो जाते हैं। कई बार जयपुर के नज़दीक में है पत्रकार कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी के पास में एक बहुत अच्छी सी, बहुत बड़ी सी, बहुत खुली सी और बहुत लंबी सी एक सड़क है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। और वहाँ पर हमारे दोस्त हैं जो पेनली 1130 की आर, देखना पूरा ब्लॉग, मज़ा आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो भाई डिसलाइक कर देना, कोई चक्कर नहीं है, पर कर देना कुछ ना कुछ। और सब्सक्राइब तो कर ही जाना यार, मुझे पता है आज ही करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, इससे बेटर है आज कर दो ना, जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं नई नई चीज़ें, सब्सक्राइब करना तो बनता है कि नहीं बनता। GoPro check, GoPro, हाँ GoPro लगा हुआ है, डर नहीं। गुड मॉर्निंग। थार मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, कुछ तो है दया, कुछ तो है। ये दोनों तीनों कहाँ जा रहे हैं दया, सुबह अपन सबको बताते रहते हैं, अपन इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कहाँ बताते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी ये वाली है, इस पे आगे फॉलो कर लो, फोटोज को लाइक कर दो और हमारा मनोबल बढ़ा दो। ये फिर मेरे आंखों में धूल झोंक रही है, पन्ना भैया समझा लो अपने थार को। तो ये आ गई वो लोकेशन जहाँ पर हम कुछ नया करने वाले हैं। राजस्थान जीप क्लब RJC JSB जयपुर सुपर बाइकर टीम। RJC का नंबर है पन्ने में 59 और अपना है भाई 78। इसका अच्छे से बाद में बताऊंगा कि मैं कौन से नंबर पर रेशड हूँ, ऐसे नंबर 78 रेशड हूँ, पर फिर बताऊंगा एक बात उसकी। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। एक बार नई लोकेशन के ऊपर स्वागत है आप सभी का, नई लोकेशन, नई पावर, नई एनर्जी। पन्ना भैया भी चार्ज है भाई, मोहित भी चार्ज है और हमारी जीप भी चार्ज है। पता है इतनी देर से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी, जैसे चला रहे थे ना ऐसे, मतलब मिट्टी मेरी आंखों में डस्ट भाई, बहुत धूल झोंकती है ये। पन्ना भैया संभालो अपनी गाड़ी को। और पता है रात को थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा सा नुकसान हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। जो मेरा हेलमेट है ना, ये जो पीछे कांच आता है ना इसका, इधर वाला ये वाला ये टूट गया। जो मैंने अपना GoPro माउंट कर रखा था इसके ऊपर में, आपने देखा वो कोटा वाले ब्लॉक के अंदर बहुत सारा विंड ब्लास्ट था, मैं कुछ भी कह रहा था तो सुर ज़्यादा आ रही है, तो मुझे हनी ने भी कहा था कि यार या तो इसको बंद कर दे पूरा वाइजर को, क्योंकि वाइजर से ना विंड ब्लास्ट आ रहा था। कितना खुला था, इतना खुला रहता था, लॉक नहीं होता था। दूसरा ये यहाँ पर मैंने डबल टेप लगा दिया और मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, फिर मैंने GoPro लगाया और GoPro लगा के मैं इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे कह रहा था कि चेक GoPro, तो भाई GoPro चेक, तो GoPro मेरे हाथ में रह गया और हेलमेट नीचे करो धड़म करके और इधर से। पर वैसे पता लग नहीं रहा है कि कुछ था यहाँ पर ये तो मुझे पता है ना, नुकसान हो गया रात को 1:30 बजे के बाद। तो फिर मैंने उसके बाद में डबल टेप से इसमें जुगाड़ किया और जो माउंट नहीं आता अपने नॉर्मल वाला वो लगाया और अब मैंने GoPro कैसे माउंट कर रखा है। तो हर थोड़ी देर के अंदर मुझे चेक करना पड़ रहा है GoPro साथ है या भाई रस्ते में रह गया। सेटिंग सेट कर रहा हूँ अभी, सेट कर रहे हैं सुबह सुबह, तो भाई जब भी कहीं शूट पे आते हैं उससे पहले थोड़ा सा सेटअप कर लेना चाहिए अपना। एलियन बाइक 1130 157 क्या BHP भाई साहब 157 BHP पावर वाली बाइक आ रही है आज। अरे मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला, कुछ ना कुछ करेंगे आज पन्ना भैया, सच बता रहे हो। ये जो आप देख रहे हो लोकेशन हमारी, यहाँ से लेके उधर सामने तक, ये मुझे लगता है 250-300 टच करा देंगे आज बाइक को। पर कभी भी बुलेट पे इस तरह में कुछ मत टांगना भाई, कुछ भी मत टांगना, जो टांगोगे ना आप, जो हैंग करोगे उसके ऊपर, उसका ये साइलेंसर है ना हैप्पी बर्थडे का देता है ये इतना गर्म होगा ना उस वक्त में, जो चीज़ चिपक जाएगी ना इसके ऊपर, मतलब मान लो वो ख़त्म है, फिर चाहे प्लास्टिक हो तो वो खुद भी निशान लेगा उस पर भी दे देगा।
और गजब चल रहा है वो साइकिल वाला जो व्लॉग है हमारा। 30,000 जो आप लोगों ने प्यार दिया ना उसके ऊपर, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं ना, मतलब मजा आ रही है देखने के पढ़ने के अंदर। लाइक बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू शुक्रिया। ऐसे ही सभी वीडियोस को व्यूज देते रहो, प्यार बढ़ाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो, मजा आते रहेंगे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे और हमारे साथ बने रहो। Easy score, buy some more, don't interrupt. Better scores, yeah, moving up the day. Better bars, yeah, still don't wanna say. Easy life. जिस बाइक का इंतजार था इतनी देर से हम बैठे, 15-20 मिनट वेट कर रहे हैं, चाय वाय पी ली और भैया लिया है धीरज भैया की बाइक है। ये बाइक है बैनली टोनेडो नेक बाइक है, 1131 cc की और 157 bhp की पावर जनरेट कर रही है ये, और मतलब नेकेट के अंदर 3 सिलेंडर, क्या लेवल होगा इसका पावर। राइड करेंगे इसकी जगह देखते यार, एग्जॉस्ट नोट इतना शानदार है ना इसका, और जो थ्रोटल रेस्पॉन्स है ना, मतलब जो क्विक रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मजा शांत कंट्रोल। A few moments later. छोटी सी गलती, हमने इसकी चाबी ऑन रख दी, सारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई इसकी और ये अब स्टार्ट नहीं हो रही है। टाइम आ गया अपने पावर चेक करने का, सेकंड में लेना। 1 2 3 छोड़ो यस, एक बार थर्ड में लेके देखो, थर्ड में लगाओ गियर, लगाओ। नहीं हुई भाई, धक्के से स्टार्ट नहीं हुई है। टेंशन नहीं लेना होएगी। कमान। अब 15 पैसा नहीं हुई, धीरज भैया का नंबर है, धीरज भैया टर्न है, क्योंकि बाइक धीरज भैया की है और गलती हमसे हुई है कि उसकी बैटरी हमने चाबी ऑन रख दी, बातें करते रहे और ये बाइक यूज़ भी नहीं आ रही, इसलिए डिस्चार्ज हो गई बैटरी इसकी। हाँ पढ़ लो, सुपर बाइक को स्टार्ट करना मतलब इतना आसान नहीं है। बहुत तगड़ा हो गया। सुपर बाइक की राइड लेने आए हुए और बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो खैर गलती से नहीं हुई, गलती अपनी थी, गलती अपनी, चालू छोड़ दी उसको ज़्यादा देर। उस समय क्या किया, इग्निशन ऑन कर दिया, कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा हो गया उसकी हेडलाइट चलती रही, डिस्चार्ज हो गई बैटरी। 20 minutes later सुबह का सेशन कंप्लीट, 15 को करते हैं बाय बाय, ठीक है, निकल रहा हूँ मैं, चलो चलते हैं ना, ठीक, ऑफिस मिलेंगे दोपहर में। कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग? थोड़ा सा मज़ेदार हो गया था बीच में जब हमारी सुपर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। और जिस सुपर बाइक की हम बात कर रहे हैं, धीरज भैया के पास जो बाइक्स हैं उनमें बैनली भी है और कावासाकी निंजा भी है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं शायद निंजा पे जाना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं निंजा ले लूँ। निंजा के अच्छे रेट भी आ रहे हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता लगेगा कितने प्राइस की आ रही है, कितने सीसी वाला इंजन है उसका और कितनी bhp की पावर है, और मुझे ड्यूक 390 देने के बाद में मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे उसके ऊपर।
Yeah, we got a little cash. Yeah.